पांचवें चरण में कुंड और बाबागंज का भी चुनाव हुआ था 27 फरवरी 2022 को। उसके पूर्व भी समाजवादी पार्टी के जो मेरे समर्थक साथीगण पदाधिकारीगण, यहाँ तक कि कुंडा के जो हमारे समाजवादी पार्टी से सम्मानित प्रत्याशी हैं भाई गुलशन यादव जी के गाड़ियों पे पथराव किया गया, और उनको जब नामनेशन के समय जब नामनेशन करके जैसे ही वापस आए तो चौराहे पर ही जो वहाँ के एमएलसी हैं राजा भैया के समझौता रिश्तेदार हैं गोपाल जी, उन्हीं से गाड़ी से कुतर करके पिस्टल लिए हुए थाना पुलिस जो मौके पर मौजूद थी मौके पर ही पकड़ा गया, और उसकी फोटो जो है राजा जो लोकतंत्र में राजा नाम से प्रचलित, जैसा कि सच को आप जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं है, तो जो राजा नाम से प्रचलित उनके साथ उस व्यक्ति की फोटो है, जानकारी के क्रम में उस साथ शूटर है। तो हम लोग पार्टी कार्यालय प्रतापगढ़ पे संबंधित जो हमारे एसपी महोदय हैं पुलिस के उच्च अधिकारी पूरे जिले को अटेंड करते हैं संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में, उनसे टेलीफोनिक जब चर्चा हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से भाई गुलशन जी के लिए 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध थे, 3 सुरक्षाकर्मी और उपलब्ध कराए, और ये स्थानीय थाना पुलिस को वाले सेट पे अवगत कराया गया कि इनको सुरक्षित घर भेजा जाए। तो मौके पर पुलिस से अटेंड करते हुए उनको घर पहुंचाने का प्रयास किया। चूँकि मैं मौके पर कहा था कि ये जब व्यक्ति राजा के साथ फोटो खिंचाया और साफ शूटर है तो ऐसे दोषी जनों के खिलाफ हमें रिपोर्ट कायम कर देनी चाहिए। बाद में कुछ रास्ते पर जाने के बाद हम लोग रिटर्न हुए और संबंधित थाने को मौके पे जाके रिपोर्ट लिखकर उचित कानूनी कार्रवाई हेतु आग्रह किया, इसके बावजूद हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई स्थानीय प्रशासन द्वारा। चुनाव के दौरान गुलशन जी को और मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी गई, तो तमाम बातें हैं। ये कुंडा और बाबागंज का जो आज तक इतिहास रहा, लोग जो है आम जनता स्वतंत्र पूर्वक अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाती और प्रशासन भी मूक दर्शक बन करके सब कुछ देखता रहता है, और इसी के क्रम में विभिन्न घटनाएं हुई। अभी हम लोगों के बीच में ये 27 तारीख को जो है मैं ग्रीसवासी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी 245 बाबागंज, ये हमारे जस्ट बगल बैठे हैं हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के भाई रमेश यादव जी, और 2 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन के द्वारा मेरे को उपलब्ध कराया गया, मैं उनके साथ भ्रमण पे था। तो वर्करों द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये कनावा एक पोलिंग है, वहाँ जो जनसत्ता के समर्थक हैं पंकज सिंह पूर्व प्रमुख द्वारा व वहाँ वर्तमान प्रधान के द्वारा बूथ को कैप्चर किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो गाड़ी पर ही हम लोग जो है सभी संबंधित जो उच्च अधिकारी जिनसे फ़ोन पे कंटेक्ट हो सका उनको मैंने अवगत कराने का कार्य किया, और मौके पर जब पहुंचा तो वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद थे, मैंने पोलिंग का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो जस्ट 50 मीटर के अंदर सरकारी भवन पर 2 चरपहिया गाड़ी वहाँ मौके पर मौजूद थी, और वहाँ औसतन लगभग 50 से एबव समर्थक जनसत्ता के वहाँ मौजूद थे। मैंने प्रशासन से मौके पर जो मौजूद थे उनसे ये कहा कि चुनाव मेरे को जो संज्ञान में है
चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस क्रम में 200 मीटर के बाहर पार्टी के लोग अपना बस्ते वगैरह को लगा सकते हैं। तो प्रशासन अपना जो भी समझा उस बिल्डिंग में गया और उनसे कहा कि भाई आप लोग बाहर यहाँ से जाइए, और वहाँ से जैसे निकल करके थोड़ी दूर मुश्किल से 10-20 मीटर बाहर गए तो चूंकि मैं मौके पर मौजूद था, मेरे को अपशब्दों का प्रयोग किया गया और यहाँ तक कहा गया कि चुनाव न होता ना तो तुम यहाँ से बच के ना जा पाते और अभी चीर फाड़ करके यहीं तुमको दफन कर देते। और लास्ट में मैंने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, बहुत गलत फहमी में आप लोग मत रहना, मेरे साथ पुलिस के 2 सुरक्षा कर्मी, इनसे चाहें तो आप बयान ले लें। और अभी मैं आज के डेट में चूंकि अभी तक मैं काफ़ी अवस्थित था, आम जनता की समस्या मेरे लिए सर्वोपरि है। इसी के क्रम में 27 तारीख को ये कनावा क्या ये संग्रामगढ़ थाना अंतर्गत जो है गोविंद नगर अस्थमा मजरा है, वहाँ एक मेरा जो है समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट बना था अभिषेक सरोज, तो ये लगभग 6:30 बजे की घटना है। चूंकि गुलशन यादव जो मेरे पार्टी से कुंडा से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, तो वे लोग उधर अवस्थित रहे होंगे मेरा अपना अनुमान। तो लगभग 6:30 बजे राजा भैया नाम से जो चर्चित उनके ड्राइवर रोहित सिंह जो मनगढ़ है के निवासी हैं और कुंडा उनका थाना पड़ता है, वे 50-60 मोटरसाइकिल और 2-4 चरपहिया गाड़ी से, चूंकि उनका 4 ग्राम पंचायत की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रधानी करते हैं, उनको ये अनुमान लगा होगा कि भाई हमारे ग्राम पंचायतों में कोई एजेंट बन ही नहीं सकता, और आज तक का सहित यही इतिहास रहा है। तो उस क्रम में जो है लोग मौके पे जाते हैं और उनको जानकारी जब हो जाती है कि अभिषेक नाम का कोई पासी बिरादी का लड़का सपा का बूथ एजेंट बना था, तो वहाँ जाते हैं और घर पे पूछताछ करते हैं तो उनकी माता अनीता सरोज हैं, घर के सदस्य जो गार्जियन थे वो खेती बाड़ी में थे, ये किसी अनहोनी की शंका को देखते हुए अपने बेटे को भगा देती हैं। मात ये रहती हैं और इनकी देवरानियाँ रहती हैं और इनकी बेटियाँ, इनकी और इनकी देवरानियाँ की बेटी मौके पर रहती हैं। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लात घूंसा किया जाता है, ब्लाउज तक फाड़ दिया जाता है। और चूंकि मैं जो बस्ता बंटवाया था उसमें संबंधित चुनाव से संबंधित सभी उच्च अधिकारियों को संबंधित थानों को मैं टाइप करवा करके एक उसमें कागज रख दिया था बस्ते के साथ, तो ये अपना जो है देखी तो कहीं में कहीं अपना फोन की इनके बताने के क्रम में इनसे आप पूछ सकते हैं। तो उस समय तक जो है फोन के द्वारा संबंधित थाना अध्यक्ष संग्रामगढ़ मौके पर पहुंचते हैं, और जब ये चीखने चिल्लाने लगती हैं तो मोहल्ले बस्ती के लोग ईंट पत्थर चलाने का काम करते हैं, जिस क्रम में विपक्षी गणों को ये चोट आती है। चूंकि उस दिन निवर्तमान विधायक जो बाबागंज से हुआ करते हैं विनोद, मैं संयोग से महेशगंज थाने पे लगभग 6 बजे रहता हूँ, तो वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को मेरे बेगुनाह थाना पुलिस द्वारा पकड़ करके थाने में बैठाला गया था। तो मैंने कहा भाई अब पोलिंग के दिन है, छोड़ेंगे तो है नहीं, 6 बजे के बाद मैं उन किससे जाके मिलूँ। इंस्पेक्टर महेशगंज से मैंने आग्रह किया कि मानवा 6 बज गए हैं, अगर इनके ऊपर कोई धारा बनती हो तो इनको जेल भेजिए, न तो इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जी अभी 6:30 बजे मैं इनको छोड़ दूंगा। वैसे ही सूचना आती है कि बहोरीपुर पोलिंग स्टेशन पर निवर्तमान विधायक विनोद सरोज कैप्चर कर रहे हैं प्रशासन के सहयोग से। तो वर्करों द्वारा जब जानकारी मिलती है तो थोड़ी ही दूर पे था मैं, मुश्किल से 10-5 मिनट के अंदर मौके पर गया, तो स्थानीय जो पुलिस हमारी लगी हुई थी
तो उनसे जब मैं पूछा क्या ये माने निवर्तमान विधायक विनोद जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आए थे, चले गए। फिर वर्करों ने मेरे कहा कि जस्ट उसके अपोजिट एक पोलिंग बूथ बना था, तो कहें कि भैया उधर होंगे, तो मैं उधर गया, वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। फिर कहें कि प्रत्याशी जी गाड़ी उनकी ठड़ी है, यहीं अंदर होंगे। तो चूंकि नीतिगत सच को आप जानते हैं, 6 बजे के बाद जब पोलिंग समाप्त हो चुकी है, वोट डालने का समय, तो मेरे को भी जाने का समझौता राइट नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं सुरक्षा कर्मियों को लेकर के मैं अंदर गया, तो देखा तो निवर्तमान विधायक मौके पर बैठे हुए थे। सबसे पहले में 2 बूथ थे वहाँ, मैं दोनों बूथों पे गया और फिर मशीन को जो है सीज करने का काम किया जा रहा था, पैक करने का काम किया जा रहा था। इसके बावजूद निवर्तमान विधायक विनोद जी पोलिंग के अंदर बहुरीपुर पोलिंग स्टेशन पे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं वहाँ ऊपर जो है एक कुर्सी खाली थी, परिसर में ही काफ़ी बड़ा परिसर था, वो नीचे बैठे तो मैं कुर्सी पे जाके बैठ गया। मेरे 2 सिपाही मेरे साथ में थे, मैं बैठा रहा। मैंने कहा कोई सक्षम अधिकारी आएगा और पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे बैठे, तो मैंने कहा इनसे पूछिए ये इतने देर से यहाँ पहले से क्यों बैठे। तो फिर अपना जो समझें वो बाहर निकले विनोद जी, और मेरे जो वर्कर थे 50-60 की गिनती में, मैंने कहा इनका जो है वीडियो आप बना लीजिए। तो एक पुंजू उपाध्याय मेरे मित्र हैं, मेरे सम्मानित साथीगण हैं, जिनके घर में ही मेरे विधानसभा का कार्यालय खुला हुआ था। तो जब वीडियो बनाने लगे तो कहें बना लो पुंजू, 10 मार्च के बाद देखेंगे। तो फिर भाई वर्कर हैं, समाज है, अपने ढंग से वे भी अपना कुछ शायद कहे होंगे, तो वे अपना तुरंत वहाँ से हट के चले गए। ये स्थिति परिस्थिति। उसके बाद पार्टी कार्यालय लखनऊ से मेरे को मैसेज मिला था कि प्रत्याशी जी आपको हर संभव जो है बूथ पे जो है वहाँ जहाँ पर ये मशीनें रखी जाएंगी उसका मौके पर सर्वे कराना है, ताकि कोई वहाँ पूर्व में ही मशीन ना हो। तो मैं जो है डायरेक्ट चला गया प्रतापगढ़, भीड़ बहुत थी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति घटी। तो कुंडा और बाबागंज में मेरे को भी जान से मरने की धमकी दी गई, और ये मेरे जो वर्कर हैं, मेरे पदाधिकारी हैं, उनको बराबर ये धमकी दी जाती रही कि 10 मार्च के बाद देख लेंगे। और ये कुंडा का प्रकरण है, अभी राकेश पासी नाम के जो है जो रैयापुर ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, जहाँ के निवर्तमान विधायक ये विनोद सरोज जी हैं, जो जनसत्ता के हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, तो वो केवल उनका दोष ये है कि एजेंट बने समाजवादी पार्टी के भाई गुलशन यादव जी के, जो प्रत्याशी हैं मेरे, तो राजा भैया स्वयं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया स्वयं काफिले के साथ जाकर के उस लड़के को पकड़ते हैं, पकड़ करके जो है मारते पीटते हैं। और जब इस बात की जानकारी होती है, तो चूंकि प्रशासनिक के द्वारा जो है सुरक्षा के दृष्टि से गुलशन जी को 5-6 समोता सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, तो वे जाते हैं तो उनके रास्ते पे ही उनको पथराव किया जाता है, उनके गाड़ियों पे काफिलों पर जो है जो उनके सुरक्षा के क्रम में साथ में रहते हैं, और फिर वहाँ जाते हैं और फिर जो है ये स्थिति। तो शायद जो है मेरे को जो जानकारी प्राप्त है रिकॉर्ड है, तो राजा जो फर्जी राजा लोकतंत्र के, उनके खिलाफ स्थानीय समता पुलिस प्रशासन प्रेशर दबाव में FIR दर्ज की है। कुछ होता है अथवा नहीं होता मैं नहीं जानता। ये स्थितियां परिस्थितियां हैं कुंडा और बाबागंज की। तो ये कुंडा और बाबागंज के जो मेरे आम पार्टी के पदाधिकारी हैं, मेरे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और आम वर्कर को ये असामाजिक सोच के जो सामंतवादी सोच के लोग हैं ये अवस्थित कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और गुलशन जी के साथ, मेरे साथ, मेरे वर्करों के साथ, पदाधिकारियों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो मैं आप सबके माध्यम से यथा इसे अवगत करा रहा हूं, और मैं नैतिक समर्थन की अपेक्षा करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये अनीता सरोज जो इनके यहाँ घटना घटित हुई,
जब वर्कनों द्वारा मेरे को जो है जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं 28 तारीख को मैं थाने पर सबसे पहले थाने गया। चूंकि लोकेशन मेरे को गांव की जानकारी नहीं थी, तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि नहीं प्रत्याशी जी आप गांव पहुंचिए। मैं गांव पहुंच करके सही के सच की तहकीकात किया, तो उस क्रम में मैंने कहा पब्लिकेशन दीजिए, आप डरिए नहीं, हम लोग पूरा समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ हैं। मैं और मेरे पार्टी के पदाधिकारी इन अनीता सरोज, अभिषेक सरोज, इनके परिवार के 2-3 महिलाएं और इनके घर के सदस्यों को लेकर के मैं संबंधित थाना अध्यक्ष संग्रामगढ़ के पास गया। पहले मैं रास्ते में टेलीफोनिक जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं थाने पे हूँ, ये जाती हैं और अप्लीकेशन देती हैं। मेरे समक्ष इंस्पेक्टर महोदय ये कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं FIR लिख लूंगा, तुम दबाव बनाने मेरे पास लेकर किन लोगों को आई हो। मेरे समक्ष इस तरीके व्यवहार किए, तो मैंने कहा मानवर ये गरीब लोग हैं, हो सकता है ये डर बस भय बस आपके पास ना आए हों, और हम लोग आए हैं तो हम लोग कुछ आपको तो कहे तो नहीं रहे ना, और हम इंसान अलग अलग हैं और हर सबकी समझ अलग अलग है। आप संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में जिस जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, तो मेरे समक्ष आप जो इस लहजे का प्रयोग कर रहे शोभा आपको नहीं दे रहा। तो नॉर्मल हुए और उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जी आप जाइए और हम इनकी रिपोर्ट लिख लेंगे। बाकायदा उसका भी जो है प्रेस के साथीगण थे, अप्लीकेशन देते हुए उसका वीडियो मेरे पास है, आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे जो है। उसके बाद मैं चला गया, दूसरे दिन मैं टेलीफोनिक चर्चा किया, FIR नहीं लिखी गई। मैं SP प्रतापगढ़ महोदय से भी टेलीफोनिक चर्चा किया और यथास्थिति से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जी आपसे मेरा निवेदन है कि जो अप्लीकेशन थाना अध्यक्ष को दिए हों उसको आप जो है मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं उनके फ़ोन पे व्हाट्सअप भी किया, इसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई। बल्कि जब ये 28 तारीख को खुद भुक्तभोगियों के खिलाफ फर्जी ढंग से बेगुनाह होते हुए भी FIR लिखी गई, इनके घर पे थाना पुलिस गई थी मौके पर सूचना देने के क्रम उच्च अधिकारियों के, और स्थिति को भांपते हुए कहीं पुनः फिर से अप्रिय घटना न हो जाए थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल प्रभाव से 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा के दृष्टिगत आज भी वहां मौके पर रातों दिन ड्यूटी दे रहे हैं। 2 सिपाही मौके पर आते हैं तो फिर वो अपना जाते हैं, ये स्थिति है। इसके बावजूद FIR न लिखना ये बड़ी समस्या का घर है, ये प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में वहाँ के जो मेरे मीडिया के भी भाई हैं, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ इतना प्रेशर दबाव में है कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। रीजन कुछ भी हो, मेरे को जो जानकारी है पूर्व में भी मेरे मीडिया के साथियों की भी वहाँ हत्याएं हुई है, जिसका आंदोलन भी साथीगण करने का काम किए हैं। तो ये प्रतापगढ़ की स्थिति है। कल मैं ADG कानून व्यवस्था से मिलने के लिए समय चाहा, समय तो नहीं मिला, तो उनके जो PA होते हैं यथास्थिति से मैं अवगत कराया हूँ। तो ये मैंने SIS की जांच की मांग की कि SIS जांच कर दीजिए, ताकि वो वहाँ का पुलिस का बुरिया बिस्तर है SPA के पास चला है या IG DIG के पास चला है, चूंकि उनको अथॉरिटी है SIS जांच करने की, ताकि निर्दोष लोग जेल या पकड़े ना जाएं और मेरे ही लोग क्यों ना हो। दोषी हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो, कोई भी दोषी हो। मैं चाहूंगा अगर उनकी FIR लिख गई है तो आप सबके माध्यम से मेरा बिना आग्रह है सभी सम्मानित प्रेस के साथियों से, इलेक्ट्रॉनिक के भाइयों से, मेरा बिना आग्रह है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप चतुर्थ हमें आपसे साधन मेरी अपील है, प्रार्थना है, जो भी मेरे से आप वार्ता करना चाहते हैं, सच की जानकारी चाहते हैं, मेरे से आप वार्ता कर लें। मेरे को केवल नैतिक समर्थन की मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप मेरा नैतिक समर्थन करें। ये स्थिति परिस्थिति है, और ये जो बहन है मेरी अनीता सरोज जी, जिनका दोष ये है कि इनका बेटा अभिषेक सरोज समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट बने था,
और इसमें 27 लोगों को जो नाम नेट किया गया है ये सब मेरे पार्टी के प्रबल समर्थक हैं, और इसमें एक यादव समाज के भी व्यक्ति हैं समोता ये रमेश क्या नाम है कुछ इस क्रम में हैं, मैं आपको अभी अवगत करा दूंगा, तो वो भी बूथ के एजेंट रहे। तो ये तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग बेगुनाह जो है नामजद रिपोर्ट करके, और दुख को मेरे दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि जो मेरे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं भाई छबनाथ यादव जी, उनके भी नाम को इसमें जोड़ा गया है जो उनके पास वर्तमान में सुरक्षा कर्मी हैं। कल मैं एसपी प्रतापगढ़ से बातचीत करना चाहा तो समय बात नहीं की, फिर पुनः मेरे से टेलीफोनिक चर्चा किए कि नहीं गिरीश जी आप आइए मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन अब इतने दिन तक नहीं सुने तो मैं ज़्यादा आशा नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं आप पे यकीन विश्वास करते हुए कि आप मेरे को नैतिक समर्थन करेंगे, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये पेश कि एक जो हमारी समस्या उस समस्या को मैं कुछ साथियों को पूर्ण उपलब्ध करा दिया हूँ, जिन साथियों को नहीं मिली है मेरे पास व्यवस्था है मैं उपलब्ध करा देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देते हुए आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी सच की जानकारी चाहें मैं और मेरे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, मेरे जस्ट में बगल में बैठे भाई शिवहान यादव जी हैं जो डॉक्टर ए बी यादव जी के भाई हैं, और ये मेरे शिवमूर्त यादव जी हैं जो मेरे पार्टी के चाइल्ड कुशामी से बिलोंग करते हैं, और आप भी कुशामी से बिलोंग करते हैं, मैं भी कुशामी से बिलोंग करता हूं, और ये मेरे विधानसभा अध्यक्ष बाबागंज के रमेश यादव जी हैं। तो आप जो भी, और ये बहन हमारी अनीता सरोज जी हैं या अभिषेक सरोज जी हैं जो बूथ के मेरे एजेंट हैं, ये राकेश पासी जो भुक्तभोगी हैं बेचारे रैयापुर के, ये मेरे मित्र माननीय पदाधिकारी हैं, ये प्रदीप सरोज जी इसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, तो ये सुरेश पासी जी पूर्व सांसद जो मेरे रहे, राजू पासी जी हैं मेरे पार्टी के, राम सिंह जी हैं झूसी से बिलोंग करते हैं, तो ये तमाम जो से जिम्मेदार साथीगण ही आ पाए तो धन्यवाद आप सबको, आभार व्यक्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी नैतिक मदद करें मेरे लोगों की। थैंक्स आपको साथियों, इतनी बड़ी घटना होती है और एक भी ऐसा नहीं कि किसी को सूचना नहीं, एक भी साथीगण मौके का न तो निरीक्षण करते हैं न कुछ लिखने का साहस कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमको जान का खतरा, क्या किसी ने डायरेक्ट आपको बताया कि बाया आपके कार्यकर्ताओं ने बताया है कि आपको जान का खतरा? ये आईओ की रिपोर्ट है। नहीं, मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहूँ, जहाँ मेरे से सवाल आप पूछ रहे हैं सुरक्षा से संबंधित विषय, मैं 27 तारीख को अपने दो पुलिस कर्मियों के साथ जो मेरे को सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया, मैं उनको साथ लेकर के, और ये मेरे विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव जी हैं, मैं साथ लेकर के एक गाड़ी से मैं भ्रमण पे था, और उस क्रम में वर्करों द्वारा जब मेरे को ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये कनामा बूथ पे पूर्व प्रमुख पंकज सिंह व वहाँ के वर्तमान प्रधान बूथ को कैप्चर कर रहे हैं, तो मैंने संबंधित उच्च अधिकारियों को टेलीफोनिक जानकारी दिया, क्योंकि ये जो मेरा बड़ा फोन है इस पे जो 97-93-47-19-83 मेरा रेगुलर नंबर पूर्व से था, तो चूँकि इस पे मैसेज बहुत आते थे, फ़ोन बहुत आ रहे थे, तो मैं इसको एक कार्यालय बना करके 4-5 फ़ोन कार्यालय का और अपने फ़ोन को भी मैं वहाँ रखा था, तो ये जैसे सूचना मिली तो मैं इस फ़ोन से संबंधित उच्च अधिकारियों की अध्यक्ष से अवगत कराते हुए मैं कनावा पुलिंग पे पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद थे, मैं अंदर जाके निरीक्षण करता हूँ, उसके बाद बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर, मात्र 50 मीटर के दूरी के अंदर एक, जब मैं पूछा तो भाई ये कौन है तो कहेंगे सरकारी भवन है ये बिल्डिंग, तो ये सरकारी भवन के अंतर्गत अंदर ही दो चरपहिया गाड़ी खड़ी थी और 50-60 लोग मौके पर मौजूद थे, तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार संभवतः 200 मीटर के बाहर लोगों को अपना बस्ता लगाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी भवन क्या था, पंचायत भवन? हाँ, ये ग्राम पंचायत या पंचायत भवन था उनके बताने के क्रम में, मौके का आप चाहें तो निरीक्षण करवा सकते हैं, तो मैंने कहा कि ये जो है ये 50 मीटर के अंदर है कि पकड़ के आप लोग जो इनको हटाइए यहाँ से,
तो जब पुलिस कर्मी थोड़ा अपना सक्रिय हुए और मौके पे गए तो उनसे कहे भाई आप लोग बाहर चलिए, तो जैसे उनको बाहर निकाले मैं थोड़ा उन पुलिस के पीछे थोड़ा पोलिंग के ही सामने जो है मैं थोड़ा आगे बढ़ा 10-5 मीटर बाहर आगे तरफ, तो मेरे को अपशब्दों का मतलब आप समझते हैं, गाली गलौज कुछ बाकी नहीं रखे और यहाँ तक कहे कि चुनाव न होता ना तो अभी तुमको यही चीर फाड़ करके दफन कर देते, ये स्थिति। मैंने कहा मैं डरने वालों में से नहीं, अंतिम सांस तक लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ूंगा, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। बलि के कार्ड प्रेस के साथीगण आ गए थे, मैं उनके समक्ष बयान भी दिया, मेरे पास वीडियो भी है उनका, और फिर डर बस बेचारे भाग गए मौके से, ये स्थिति। तो फिर लास्ट में मेरे को ये धमकी दी गई कि 10 मार्च के बाद मैं देख लूंगा तुम्हारा रहना जीना मुश्किल कर दूंगा, मेरे सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद, इनसे भी आप चाहे तो बयान दे सकते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष मेरे साथ थे और मेरे पास जो है ये स्थिति परिस्थिति, मैं रूबरू जो बात है उसको मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे की सुनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष और वहाँ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सक्षम अधिकारी सेक्टर मजिस्ट मूक बन करके देखते रहे और मेरे को ही समझाने का काम किए कि प्रत्याशी जी आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ से आप प्लीज चले जाइए, ये स्थिति। और कुछ आप पूछना चाह रहे थे, ये जो घटना का जो विषय है दो एक की, एक का जो सच है कि ये रोहित सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ जो राजा के ड्राइवर हैं जानकारी के क्रम में, ये 4 ग्राम पंचायत की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रधानी करते हैं, मेरे को जो लोगों द्वारा जानकारी दी गई आप छानबीन कर सकते हैं,